हाँ भाई सुनो जरा काम की बात। हम लोगों की बात हुई थी शायद बीटा ट्रॉन के बारे में। बीटा ट्रॉन के बारे में ही तो बात कर रहे थे हम लोग लास्ट में। अब अगला पार्ट है हमारे पास प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। प्रोटॉन सिंक्रोटॉन, जरा सुनो इस प्रोटॉन सिंक्रोटॉन के बारे में क्या मीनिंग है इसका। देखो इसके द्वारा उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन प्राप्त किए जाते हैं। प्रोटॉन सिंक्रोटॉन का मीनिंग क्या है? इसके द्वारा क्या किया जाएगा? उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन प्राप्त किए जाएंगे। और जहां सिंक्रोनाइज वर्ड आ जाता है, सिंक्रो जैसे हमने पढ़ा था सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, वहां हमने कहा था कि साहब उसमें कला स्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो प्रोटॉन को त्वरित करने वाला जो उपकरण है हमारे पास, इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि एक तो इसमें कला स्थायित्व का गुण होगा, और एक इसमें तुल्यकालत्व का गुण होगा। एक बात ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनाइज जिस मीनिंग को कहते हैं, इन दोनों चीजों का मतलब होता है सिंक्रोनाइज, इसी को समकालिकता बोलते हैं। वो जो सिंक्रोनाइज जिस वर्ड को आप कहते हो ना, वो सिंक्रोनाइज यही है। ठीक सर जी, एक तो ये बात। अच्छा दूसरी बात सुनो, अपन क्या करते हैं, इसके द्वारा लगभग 10 GeV के प्रोटॉन प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब स्टार्ट किया तो लगभग 1 GeV के प्रोटॉन हमें मिले थे। फिर एक प्रक्रिया ऐसी होती है जिससे लगभग 3 GeV तक के इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं। और वो जो त्वरित होता है उसका एक नाम देते हैं अपन, कॉस्मोट्रॉन। ठीक, तो ये जो प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन है, इसका काम क्या है? इसका काम है उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन प्राप्त करना, और स्टार्टिंग में इससे लगभग 1 GeV तक के इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए गए, प्रोटॉन प्राप्त किए गए थे इतनी ऊर्जा के। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ही टर्म है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं पढ़ते अभी कि भाई एक तो किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, तो ये 10^9 होता है। ठीक, फिर इससे जो मैक्सिमम जो रेंज है वो कितनी है? 10 GeV तक के प्रोटॉन प्राप्त किए जा सकते हैं। और इसी का एक पार्ट होता है जिसको अपन कॉस्मोट्रॉन कहते हैं, इससे लगभग 3 GeV तक के क्या प्राप्त किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं। इसका जो सिद्धांत है, इसका जो व्यवहार है, वो जैसे अपन इलेक्ट्रॉन को त्वरित करते हैं ना साइक्लोट्रॉन से, जिसको इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन भी बोलते हैं अपन उस वर्ड को, उसके जैसा ही है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम क्या है? एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ये प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 2000 गुना होता है। मीन्स जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना क्या होता है? भारी होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसका मतलब हमें काम क्या करना है? अब एक्चुअली प्रोटॉन भारी कण है। अगर भारी कण है तो गति धीमे होती है, भारी कण है तो गति क्या रहेगी? धीमे रहेगी, सिंपल सी बात है। इसलिए हम उसके वेलोसिटी को नियरली प्रकाश के वेग के जितना पहुंचाने के लिए, मतलब उसका वेग लगभग प्रकाश के वेग के जैसा हो जाए, क्योंकि अपन मान के चलते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन जब साइक्लोट्रॉन पढ़ा था तो हमने माना था ये बात कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है
या अगर अपन जिस बीटाट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे लास्ट में, उसमें हमने ये मान के चले थे कि जो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो इसका सिद्धांत तो उसी के जैसा है, लेकिन द्रव्यमान ज्यादा होता है प्रोटॉन का, इसलिए हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसका वेलोसिटी क्या हो जाए, प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, लगभग प्रोटॉन के वेग को लगभग एक के जैसी वैल्यू हो गई है। तो लगभग इतना करने के लिए 4 GeV एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स अपन यूज करते हैं, एक तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन करना पड़ता है। इसमें मेन काम क्या करना पड़ेगा, जो भी आप लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स यूज करोगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज का 10^7 से 2×10^7 हर्ट्ज वाला प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र जो प्रयोग करोगे, उसकी आवृत्ति में आपको क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। एक तो ये काम मींस होता तो इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के जैसा है, लेकिन इसमें कुछ चेंज करने पड़ते हैं। एक तो ये काम करना पड़ेगा आपको, उसके वेलोसिटी को यहां तक पहुंचाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए आपको, और अगर इतनी एनर्जी चाहिए तो उस एनर्जी के लिए ये जो एसी सोर्स लगा है, इस सोर्स की आवृत्ति में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। एक काम। अच्छा, दूसरा काम और क्या होता है, अब जैसे अपन इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करते थे उसमें, करते अपन इलेक्ट्रॉन गन से साहब इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है, ऐसे ही अपन को क्या चाहिए, त्वरित प्रोटॉन भी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, उसके लिए जो प्रोटॉन जिसको अपन त्वरित करा के लाते हैं, लगभग 1-10 MeV एनर्जी का जो प्रोटॉन होता है, उसको या तो अपन क्या करते हैं, जो रैखिक त्वरित होता है हमारा, उस रैखिक त्वरित से क्या करते हैं, उसको त्वरित करा के लाते हैं। पहले हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले रैखिक त्वरित, लीनियर एक्सेलरेटर, कई सारी नलियां लेके चले थे अपन। तो अपन के दो काम होंगे इसमें, सबसे पहला काम तो क्या होगा, ये जो आवृत्ति सोर्स है इसकी आवृत्ति में परिवर्तन करेंगे। आवृत्ति में परिवर्तन क्यों करेंगे, आवृत्ति में परिवर्तन इसलिए करेंगे क्योंकि प्रोटॉन के वेग को यहां तक पहुंचाना है। समझ रहे हो बात को, आवृत्ति में परिवर्तन किस लिए करना है, क्योंकि उसके वेलोसिटी को कहां पहुंचा रहे हैं, 0.983, क्योंकि आवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिए। यही तो ये कला स्थायित्व कहता है कि जैसे जैसे कण की गति में परिवर्तन होता रहे, वैसे वैसे उसकी आवृत्ति में भी क्या हो जाना चाहिए, परिवर्तन। या फिर अगर ऐसे कहें कि कण उसमें जैसा जैसे चक्कर लगाता है, वैसे वैसे आवृत्ति में भी उसी के साथ साथ परिवर्तन होता रहना चाहिए। कण जिस आवृत्ति से रोटेट हो रहा है या चक्कर लगा रहा है, उसी आवृत्ति से एसी सोर्स की आवृत्ति बदलती रहनी चाहिए। और अगर आवृत्ति बदलेगी तभी तो कला स्थायित्व आएगा। आवृत्तियों का अंतर नहीं होना चाहिए, वो ही नहीं बदलना चाहिए, वो तो भले ही बदल जाओ। नहीं समझे बात, जैसे मान लो भाई कण की आवृत्ति बढ़ रही है ऊर्जा बढ़ने पर, तो एसी सोर्स की आवृत्ति भी बढ़नी चाहिए, अंतर वही रहना चाहिए। अंतर स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि उनका कलांतर नियत रहना चाहिए। कला स्थायित्व वर्ड जिसका मीनिंग अपन बात कर रहे हैं, इसका मतलब उनका कलांतर क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। ठीक, एक बात। अच्छा, दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम ये करेंगे कि जो भी अपन डोनेट लेंगे, डोनेट का मतलब जो बॉक्स जिस टाइप का होगा, उस बॉक्स में रैखिक त्वरित से त्वरित किए हुए 1-10 MeV के प्रोटॉन पहले से तैयार रखने हैं हमें, उनको इंजेक्ट करेंगे अंदर। और हमारे पास जो चैम्बर होगा, उस चैम्बर में इनको इंजेक्ट किया जाएगा, ये गति करना स्टार्ट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, आवृत्ति का फंक्शन मिलेगा। तो ये दो काम करने होते हैं हमें। या अगर अपन कहें कि जो इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन का सिद्धांत होता है, या बीटाट्रॉन का जो सिद्धांत होता है, या बीटाट्रॉन की प्रक्रिया में आप लोग ये दो परिवर्तन करो, और इन दो परिवर्तन के बाद अपन को क्या मिलेगा, प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन मिलेगा। और जो प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन लगभग 10 GeV तक का क्या दे देगा, हमें प्रोटॉन दे देगा। ठीक, भारी होता है इसलिए प्रॉब्लम है, अगर उसी के जैसा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें परिवर्तन किस लिए करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसका द्रव्यमान उसके द्रव्यमान से ज्यादा होता है, और ज्यादा द्रव्यमान होता है तो गति कम होती चली जाती है। ये बात हमने पहले भी बताई थी, अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो स्पीड
कम रहेगी। अपन चाहते हैं उसके संग संग जैसी स्पीड हो, तो कण को आपको ऊर्जा तो देनी पड़ेगी, उसके वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। वेलोसिटी इंक्रीज इस प्रक्रिया से होगा, और हम बाहर से जो प्रोटॉन देंगे उसको पहले से त्वरित किया हुआ देंगे, पहले से उसको कुछ ऊर्जा दे के रखेंगे, तब जाके वो आगे क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसी होती है जरा देखो एक बात। अब जरा बनावट के बारे में बात करते हैं, इसकी जो बनावट है वो थोड़ा अलग तरीके की होती है। देखो जरा बनावट देखो इसकी, क्या कहता है बनावट, इसमें क्या होते हैं, चार सीधी लंबाई के कॉलम होते हैं। कॉलम का मतलब चार पार्ट होते हैं हमारे पास, जैसे ठीक है, चार क्या होते हैं सीधी लंबाई के कॉलम, प्रत्येक की लंबाई L होती है। ठीक है, इसके चारों कॉर्नर पर, एक दो तीन चार, चारों कॉर्नर पर हमारे पास क्या होता है, एक गोलीय चुंबक होता है, एक स्फेरिकल मैग्नेट होता है, उसके चार टुकड़े करके रखते हैं अपन। जैसे मान लो एक कोई मैग्नेट है आपके पास, इसका जैसे एक पार्ट ये, इसको कहेंगे अपन चतुर्थांश खंड, ये क्या है चतुर्थांश खंड है। ऐसे एक एक खंड को इसके चारों कोनों पर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक, मतलब चार सीधी लंबाई के कॉलम और जिनके चारों कोनों पर क्या होगा, सी आकार के चुंबकीय खंड रहेंगे। और वो चुंबकीय खंड कैसे होते हैं, चतुर्थांश चुंबक खंड होते हैं, मीन एक चुंबक का चौथाई भाग। अगर मान लो ये इस तरीके का है, तो ये जो पार्ट है पूरा, एक तो ये पार्ट हो गया, एक ऐसे ही ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, और एक ये पार्ट हो गया, चार पार्ट हो गए। तो अपन चार चुंबक के पार्ट और रख देते हैं इसके साथ, उसको इस तरीके से थोड़ा सा बना देते हैं, ये चुंबक के पार्ट है। और ये क्या है, चतुर्थांश चुंबक खंड। ठीक है, ये चार की चार, चारों चतुर्थांश चुंबक खंड होते हैं। ठीक है, एक एक जो पार्ट होता है इसको अपन मानते हैं ये प्रोटॉन कक्ष है। इसको क्या मानते हैं अपन, प्रोटॉन चैम्बर मानते हैं। ठीक है, एक दूसरा पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं अनुनाद कोटर, रेजोनेंस पार्ट। एक पार्ट जिसको अपन कहते हैं टारगेट, लक्ष्य। और एक चौथा पार्ट होता है जहां से प्रोटॉन को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये जो पार्ट है यहां से प्रोटॉन इंजेक्ट। ठीक है, ये पूरा की पूरा जो पार्ट है ये, इसको अपन रेस्ट ट्रैक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये जो प्रोटॉन है हमारा, प्रोटॉन के गति करने का क्या एक ट्रैक है। इस ट्रैक में क्या हो रहा है, जब प्रोटॉन गति करेगा, दो तरह की स्थितियां हैं हमारे पास। एक स्थिति तो कैसी है, अपन चाहते हैं प्रोटॉन वृत्तीय पथ में गति करे,
जब वो वृत्तीय पथ में गति करेगा तो उसके पास वृत्तीय पथ में गति के लिए ये वाला ट्रैक होना चाहिए। अगर वो वृत्ताकार पथ में गति करे, जैसे ही प्रोटॉन गति करेगा तो आवृत्ति के रेस्पेक्ट में, तो उस पर अवकेंद्रीय बल लगना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आवेश पर अवकेंद्रीय बल लग रहा है तो वो किसी वृत्ताकार पथ में रहता है। या फिर अगर अपन ऐसे कहें कि अगर चुंबकीय क्षेत्र अपन ने अप्लाई कर रखे हैं तो चुंबक का काम ही यही होता है कि कण को वृत्त या पथ में क्या करे, गति करे। एक तो ये बात, दूसरा उसका जो ट्रैक है, एक उस ट्रैक की भी स्थिति है। हमारे पास दो स्थितियां होंगी, अपन दोनों स्थितियों में अंतर करेंगे। एक तो अपन ऐसे मानेंगे कि हमें जो आवृत्ति मिलेगी वो ऐसे ट्रैक वाली होनी चाहिए कि साहब हमारा जो प्रोटोन है वो वृत्तीय पथ में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। एक तो ऐसी स्थिति, दूसरी स्थिति लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है कि ये इन चारों पार्टों में भी चलता है। चारों पार्टों में चलने का मतलब है वो जो दूरी तय करेगा वो कितनी करेगा, ये तो वास्तविक स्थिति है, इतनी दूरी तय करेगा। एक प्रोटॉन अगर एक चक्कर पूरा करे तो कितनी दूरी होगी, इतनी। हम क्या मानते हैं, हम ओमेगा जो मान के चलते हैं, या अगर अपन डिसाइड करें कि भाई जो ओमेगा हमारे पास आता है अपन इसी फॉर्मूले से तो निकालते हैं उसको, एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी वी। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्रोटोन का आवेश है जितना भी है उस पर, ये अवकेंद्रीय बल है अगर वो वृत्तीय पथ में गति करता है। आवृत्ति निकालने के लिए इससे बेस्ट पार्ट तो है नहीं हमारे पास, यही होता है आवृत्ति निकालने के लिए पार्ट। इसका मतलब v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर, यही तो होता है। इसका मतलब m ओमेगा आर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी, तो ओमेगा इक्वल टू, ये आवृत्ति अपन सोचते हैं कि ऐसी आवृत्ति आनी चाहिए, ये आवृत्ति का मान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन या बीटाट्रॉन में भी बात करें, कण जिस पथ में गति करता है वृत्तीय पथ में, वहां भी आवृत्ति का मान यही लेके चलते हैं। लेकिन जब अपन अगर वास्तविक आवृत्ति निकालें, वो आवृत्ति इस वाली आवृत्ति से क्या होती है, कम होती है। ये आवृत्ति तो कब थी, जब अपन 2πr का चक्कर लगा रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि वो 2πr के पथ में क्या करता है, घूर्णन करता है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उसका जो पथ है वो ये जो चार एल कॉलम है इनको भी, और इसके अलावा 2πr जो परिधि है उसमें चलता है। तो अपन जो वास्तविक आवृत्ति निकालेंगे वो वाली आवृत्ति, ये जो प्रैक्टिकली जो आवृत्ति निकल के आती है उसमें से, उससे थोड़ा सा अंतर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन वहां काम में लेके चलेंगे, हमारा काम होगा इन सारी चीजों से। अच्छा, इंजेक्ट हुआ प्रोटॉन सबसे पहले कहां आता है, प्रोटॉन चैम्बर में आता है। इसके बाद जब प्रोटॉन चैम्बर में ये आता है तो यहां जो अनुनाद क्वार्टर है, इस अनुनाद क्वार्टर का काम होता है इसकी गति में वृद्धि करना, मींस रेजोनेंस करना, अनुनाद करना, उसमें उसका जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। प्रोटॉन कक्ष का मतलब तो ये है कि इंजेक्ट हुआ प्रोटॉन प्रोटॉन चैम्बर में आके पहुंच जाता है, मतलब ऐसे जैसे जैसे प्रोटॉन इंजेक्ट होते आते हैं प्रोटॉन चैम्बर में पहुंचते चले जाते हैं। अनुनाद क्वार्टर का काम यह है कि उनकी गति में क्या करना है, वृद्धि करना है, और एक निश्चित सीमा तक वृद्धि के बाद उसे अपन टारगेट से क्या कर लेते हैं, बाहर ले आते हैं, लक्ष्य के साथ बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो जरा थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखते हैं इसका कैसे काम करता है, आओ जरा। अच्छा देखो, इसने एक बात, जैसे अगर अपन कहें कि जो फेज स्टेबिलिटी है, कला स्थायित्व के लिए जो प्रोटॉन है उस पर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स अपन लगाते हैं, आवृत्ति का जो सोर्स लगाते हैं उसकी आवृत्ति ढाई सौ किलोसाइकिल पर सेकंड से 10 मेगा साइकिल पर सेकंड होती है, मतलब प्रोटॉन एक सेकंड में इतने चक्कर लगाना चाहिए उसकी आवृत्ति है। या फिर अगर अपन कहें कि जो रेडियो आवृत्ति सोर्स अपन यूज करते हैं, विद्युत क्षेत्र अपन यूज करेंगे उसको चलाने के लिए, उस रेडियो आवृत्ति सोर्स की जो आवृत्ति है वो इस लिमिट में होनी चाहिए, ठीक। चलो
अब देखो एक बात ये और कहता है कि ये जो प्रोटॉन है इसकी आवृत्ति इतनी, या अगर अपन कहें कि इसका वेलोसिटी इतना तीव्र हो जाता है कि सिंक्रोट्रॉन में लगभग 1 सेकंड तक ही टिकता है। 1 सेकंड में ही इतनी ज्यादा स्पीड, भाई इतने चक्कर अगर लगाएगा 10 मेगा साइकिल पर सेकंड, 10 मेगा साइकिल का मतलब हो गया 10^7 चक्कर प्रति सेकंड, और हर चक्कर पर ऊर्जा बढ़नी है, तो इतने चक्कर जब अगर 1 सेकंड में लगा देगा तो ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहता है कि लगभग 10 GeV तक की एनर्जी प्राप्त करने के लिए सिंक्रोट्रॉन में मुश्किल से 1 सेकंड के लिए किसको रखा जाता है, प्रोटॉन को रखा जाता है, सिर्फ 1 सेकंड में वो इतनी, क्योंकि ये जो आवृत्ति का मान है बहुत ज्यादा है, ये भी 2.5×10^5 साइकिल पर सेकंड है। तो ये जो आवृत्ति का मान है 10^5 से 10^7 की कोटि का जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब ये कण के चक्कर लगाने की स्पीड है, 1 सेकंड में इतने चक्कर लगाता है, हर चक्कर में ऊर्जा बढ़ेगी क्योंकि हर चक्कर में उसको अनुनाद कोटर से निकलना है। अनुनाद कोटर का काम ही यही है कि वो उसकी ऊर्जा में क्या करता है, वृद्धि करता है। जो रेजोनेंस जो चैम्बर है, इस रेजोनेंस चैम्बर का काम क्या है, ऊर्जा में वृद्धि करना, और 1 सेकंड में इतनी बार वो रेजोनेंस चैम्बर से निकलेगा, लगभग 10^5 से 10^7 इतने टाइम्स निकलेगा, तो अंदाजा लगा सकते हैं ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो ये कहता है कि 10 GeV एनर्जी प्राप्त करने के लिए उसको लगभग कितनी देर रखा जाता है, 1 सेकंड के लिए कहां रखा जाएगा, प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन में रखा जाएगा। ठीक है, चलो अब जरा थोड़ी सी मैथमेटिक्स देखते हैं इसकी। अपन ऐसा मान लेते हैं कि मान लो ये जो वृत्तीय जो सी आकार के अपन चुंबक ले हैं, तो ये जो ट्रैक बना है इसका, या अगर अपन कहें कि प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन के ये जो पार्ट है, इसकी कोई ना कोई त्रिज्या तो रही होगी, अगर किसी चतुर्थांश खंड अपन ने 4 लिए हैं तो वो किसी ना किसी वृत्त या गोले के भाग तो रहे होंगे, और अगर उसके भाग है तो उनकी कोई ना कोई त्रिज्या रही होगी। चलो मान लेते हैं, माना प्रोटॉन आर नॉट त्रिज्या के वृत्तीय पथ में सी वेग से क्या करता है, चक्कर लगाता है, मीन्स उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, प्रकाश के वेग के बराबर है। ठीक है, आर नॉट त्रिज्या के वृत्तीय पथ में प्रोटॉन की घूर्णन आवृत्ति अभी अपन ने निकाला था, अगर वो आर नॉट त्रिज्या के पथ में चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसको मिलने वाला जो वेलोसिटी है mv²/r₀, या जो अविकेंद्रीय बल है वो इसके बराबर रहा होगा। ठीक, दूसरी बात, अगर वृत्तीय पथ में चक्कर लगाता है तो घूर्णन की जो आवृत्ति होगी, अभी अपन डिस्कस कर रहे थे ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगी, qv/m, काम चलेगा। चलो इसका मतलब अगर रेखीय आवृत्ति निकालें तो qv/2πm। अपन एक काम कर लेते हैं, या न्यू इक्वल टू ऊपर c² से इंटू कर देते हैं और इधर भी c² से इंटू कर देते हैं, ये mc² एनर्जी होती है। ठीक है, qv c² / 2πe, जहां e क्या है, कुल ऊर्जा है, और इस कुल ऊर्जा का मतलब होता है इसमें गतिज ऊर्जा और स्थिर द्रव्यमान की ऊर्जा दोनों का टोटल होता है। ठीक है, ई का अगर अपन वैल्यू माने तो ई के काइनेटिक एनर्जी प्लस m₀ c²। ठीक सर जी, अब अरे देखो अपन क्या मान के चल रहे हैं, अपन मान रहे हैं कि माना प्रोटॉन r₀ त्रिज्या के वृत्तीय पथ में c वेलोसिटी से क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, सी माना है ना, चलो सी मान,
इसको वी मानो, वी ज्यादा ठीक है, वी वेलोसिटी से चक्कर लगा रहे, ठीक है। अगर आर नॉट त्रिज्या के वृत्तीय पथ में घूर्णन आवृत्ति अगर आप लोग निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, यही तो फॉर्मूला है अपने पास, एम वी स्क्वायर अपॉन आर नॉट इक्वल टू क्यू वी वी, वी कैंसिल, अभी बताया वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ओमेगा आर रख लो, एम ओमेगा आर नॉट अपॉन आर नॉट इक्वल टू क्यू वी, ये तो कैंसिल, ओमेगा क्या आ गया, क्यू वी ओवर एम, ओमेगा होता है 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, और 2 पाई न्यू लिखोगे तो क्यू वी अपॉन 2 पाई एम, ठीक, यही तो लिखा हमने, न्यू इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2 पाई एम। अपन ने क्या किया, सी स्क्वायर का ऊपर और सी स्क्वायर का नीचे क्या कर दिया, इसमें इनटू कर दिया है बस, कुछ नहीं किया, ये तो क्यू वी सी स्क्वायर और ये वैल्यू क्या है 2 पाई ई, E का मतलब E के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, E के होती है गतिज ऊर्जा और ये होती है स्थिर द्रव्यमान की ऊर्जा। चलो जरा वैल्यू रख लेते हैं अपन इसमें, इसका मतलब इसलिए न्यू इक्वल टू क्यू वी सी स्क्वायर अपॉन 2 पाई ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, अब जरा सर जी एक बात देखो, ये जो आवृत्ति है ये उस पथ की आवृत्ति है जब हमारा पार्ट किसमें चक्कर लगा रहा है, वृत्तीय पथ में चक्कर लगा रहा है, लेकिन हमारा जो ट्रैक है वो वृत्तीय पथ के अलावा इन सारे पार्ट में भी चक्कर लगाता है भाई, इन लंबाइयों में भी तो जाता है एक चक्कर लगाने में, जैसे अपन कह रहे हैं साहब इतने सारे चक्कर लगाता है तो हर बार इसको ये वाले ट्रैक भी तो पार करने पड़ते हैं। इसका मतलब अगर अपन वास्तविक आवृत्ति के बारे में बात करें कि जो सीधे कॉलम अगर अपन कैलकुलेशन में उसको इंक्लूड करें शामिल करें तो उसकी आवृत्ति लिखने का जो तरीका है वो कहता है वास्तविक आवृत्ति इसको अपन मान लेते हैं म्यू रियल, मतलब रियल में जो आवृत्ति होगी वो आवृत्ति इतनी नहीं होगी, प्रोटॉन इतनी आवृत्ति से चक्कर नहीं लगाएगा, उसकी आवृत्ति जो होगी वो क्यू वी सी स्क्वायर अपॉन 2 पाई ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 2 पाई आर नॉट अपॉन 4L प्लस 2 पाई आर नॉट। इसका मीनिंग ये है कि पहले जो आवृत्ति थी वो अपन इसके बेसिस पर बात कर रहे थे कि सब एक गोलीय पथ होता है वृत्तीय पथ होता है उसकी आवृत्ति, लेकिन ऐसा नहीं है, तो जो आवृत्ति होगी वो इस वाली आवृत्ति से तो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है इस वाले वैल्यू की तुलना में, इसका मतलब ये हुआ कि जो वी रियल है वो कम होगी किससे, या अगर न्यू रियल है वो कम होगी किससे, इस न्यू से। तो ये कहता है कि जो सीधे कॉलम है उन सीधे कॉलम के कारण जो प्रोटॉन की आवृत्ति है जो, या अगर अपन कहेंगे जो प्रोटॉन की जो रियल में जो आवृत्ति है उसके मान में क्या हो जाती है कम ही हो जाती है, ठीक। चलो देखो जरा एक बार ये, फिर रिजॉइन करो, फिर आगे बात करते हैं।